दोस्तों रिसेंटली 23 मार्च को OnePlus के लेटेस्ट डिवाइसेस OnePlus 9 के पूरे सीरीज के साथ लॉन्च हुई थी OnePlus की वॉच, जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हमें चीजें नहीं मालूम चल पाई थी कि क्या फीचर्स हमें ऑफ रखने पड़ेंगे वो 14 दिन वाली बैटरी लाइफ के लिए, या फिर क्या रहेगा इनका ऐप जिसमें हम सब कुछ डेटा सिंक वगैरह कर पाएंगे, और गाना वाना कैसे रिकॉर्ड होगा। काफी सारे लोगों के मन में सवाल थे, क्योंकि ऑब्वियसली फोन जैसे वॉच की वीडियोज कहीं पर आई नहीं है अभी तक ज्यादा डिटेल में। तो इसी के साथ भाई आपको पता है कि अगर लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए लीक्स रूमर्स या इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये चैनल पे मैं वैसी ही टाइप की वीडियोस अपलोड करता हूं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OnePlus वॉच का एक एक कच्चा चिट्ठा कि वो कितने दिन बैटरी लाइफ एक्चुअली सपोर्ट करता है, और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो पीट लाओ ने खुद स्वयं OnePlus के सीईओ ने कंफर्म किया है। तो बस बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष, आप देख रहे टेकाल है, और मैं आपको स्वागत करता हूँ चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई OnePlus वॉच जो है काफ़ी एक मतलब लोकप्रिय चीज़ बन गया है लॉन्च होते ही, इवन तो अभी तक मार्केट में नहीं आया खरीदने के लिए, पर भाई ये काफ़ी एंटिसिपेटेड चीज़ था। यूज़र्स काफ़ी जो फैंस है खरीदना चाह रहे थे OnePlus की वॉच, और यहाँ पर वॉच तो आ गई है, अनाउंस हो गई है, बट यहाँ लॉन्च से पहले काफ़ी कुछ है जो हमें जानना बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि प्रोसेसर में क्या काम किया है OnePlus ने, कैसे प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, और कॉलिंग वाला फीचर दिखाया गया उनके जो लॉन्च वीडियो था, तो कॉलिंग कैसे काम करेगा, क्या स्पीकर बिल्ट इन है, माइक वगैरह बिल्ट इन है या नहीं। तो सबसे बात मैं पहले करता हूं प्रोसेसर की, तो यहां पर 3 प्रोसेसर का कुछ इनका हिसाब किताब है। 3 चिप्स जो होगी कॉम्बिनेशन एक यूज किया है, जिसपे एक का नाम है ST32, एक का नाम है अपोलो 3 और एक का नाम है साइप्रस। जो ST32 है वो डिस्प्ले एंड ऑल के काम आएगा, जो इनका स्क्रीन का डिस्प्ले है, और जो टच करने पे जो भी डेटा प्रोसेस वगैरह होता है वो सब काम में लेगा S32 प्रोसेसर। जो यहाँ पर एक और मैंने बताया अपोलो 3, वो काम करेगा जो बहुत ही कम बैटरी लेने वाली जो चीज़ें होती है प्रोसेसर्स होती है, यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, म्यूज़िक चलाना आपके कानों में जो भी स्टोर्ड म्यूज़िक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो टाइम वाइम सिंक करना, तो ये सब करेगा अपोलो। साइप्रस का क्लियरली नहीं बताया गया, तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वर्कआउट मोड्स एंड ऑल वो साइप्रस प्रोसेसर हैंडल करेगा। बात रही यहाँ पर कॉलिंग की, तो भाई यहाँ पर वॉच के अंदर ही बिल्ट इन माइक और स्पीकर्स दोनों हैं। इस वॉच में सिम कार्ड अभी अपना नहीं लग पाएगा, तो वो एप्पल वॉच की तरह नहीं है, ई सिम वाला भी हिसाब किताब नहीं है, पर अगर आप फोन को ब्लूटूथ के थ्रू पेयर करते हो वॉच के साथ, तो आप फोन पे जो भी कॉल आएगा वो OnePlus वॉच से डायरेक्ट रिसीव करके और डायरेक्ट वॉच के थ्रू ही आप बात कर पाओगे, क्योंकि उसमें बिल्ट इन स्पीकर है, बिल्ट इन माइक है, आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयरफोन जैसा होता है वैसे काम करेगा। दूसरी बात अगर स्पीकर के बारे में मस्त बताऊं, तो क्योंकि OnePlus वॉच जो है स्विमिंग वगैरह सपोर्ट करता है कि आप पानी में पहन के पूरा उसे स्विम कर सकते हो, तो वो स्पीकर पे ही ऐसा कुछ वाइब्रेशंस होगा ताकि वो सारे पानी को निकाल दिया जाए, ये चीजें कंफर्म किया खुद पीट लाओ ने। उसके अलावा यहां पर पीट लाओ ने ये भी बताया है कि 4GB स्टोरेज ऑन बोर्ड रहेगी OnePlus के अंदर, जिसमें से कुछ तो है ये लोग ने सॉफ्टवेयर एंड ऑल के लिए ऑब्वियसली यूज होगा, बाकी इन्होंने कहा है कि 2GB पूरी की पूरी 2GB रहेगी आपके लिए गाना वाना डालने के लिए, जैसा कि आपको इवेंट वाली वीडियो में दिखा होगा कि 500 गाना जो आप डाल सकते हैं OnePlus वॉच के अंदर, और फिर कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन आप वॉच के साथ कनेक्ट करके उन सारे गानों को एंजॉय कर सकते हैं। और एक और डिटेल हमारे साथ शेयर हुई कि जो भी आप गाना वाना सुन रहे हो उस टाइम पे भी अगर आप चाहो तो फोन को कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉच से, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एक और काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जो नोटिफिकेशंस हमारे फोन पे आते हैं उसके साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे वॉच पे। तो भाई अभी पीट लाओ ने कहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे कस्टमाइज टाइपिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली बात क्योंकि इतनी सी डिस्प्ले होती है, तो कुछ पहले से जो है प्री एग्जिस्टिंग इनका कुछ प्रीसेट रिप्लाइज रहेंगे, जैसे कि हमें अभी एंड्रॉइड 11 में देखने मिलता है कि कोई भी SMS वगैरह आता है तो वो 3 रिप्लाइज होते हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट जिनमें से एक को टैप करके रिप्लाई कर सकते हैं, वैसा ही कुछ रहेगा वॉच के अंदर कि आपको जो भी मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ 2-3 ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा, उसको क्लिक करके आप उस नोटिफिकेशन को रिप्लाई कर सकते हैं। बात करूं अगर डिवाइस कंपैटिबिलिटी की, तो भाई फिलहाल जो है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही काम आएगी OnePlus की वॉच, क्योंकि अभी iOS सपोर्ट नहीं आया है, पर पीट लाओ ने कंफर्म किया है कि वो इस चीज के बारे में देख रहे हैं, और क्या पता एक OTA अपडेट के थ्रू या फिर मे बी नेक्स्ट OnePlus वॉच से ये लोग iOS को भी सपोर्ट करेंगे। और एंड्रॉइड में आपको चाहिए होगा एंड्रॉइड 6 या मार्शमेलो मिनिमम इस एंड्रॉइड वॉच के साथ पेयर करने के लिए। मस्त बात यह है कि ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस को बहुत लोग अपने हेल्थ और स्लीप ट्रैकिंग के लिए काम में लेते हैं, तो ऑब्वियसली OnePlus वॉच में भी ये सारी ही कैपेबिलिटीज बिल्ट इन है। और यहां पर OnePlus का अपना एक हेल्थ ऐप है जो OnePlus बैंड के साथ भी हमें देखने मिला था अनाउंस होते हुए, तो भाई पर ऐसा है कि हेल्थ ऐप एक नया आने वाला है बिल्कुल इस वॉच के साथ, अभी तक ये प्ले स्टोर पर आया नहीं है, पर जैसे ही मार्केट लॉन्च नियर आएगा OnePlus का वॉच का, वैसे ही वो जो ऐप है वो भी आ जाएगी प्ले स्टोर के अंदर।
ब्राउजर, तो उस ऐप को यूज़ करते हुए आप जितने भी अपना डेटा है, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरी, सब कुछ, वर्कआउट वगैरह सब आप सिंक कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको अपने गैलरी में से, फ़ोन के गैलरी में से कुछ भी फोटो को एज अ वॉच डायल यूज़ करना हो, तो उसी हेल्थ ऐप के साथ आप वो चीज़ भी अचीव कर पाओगे। और एक बड़ा फीचर जो ये लोग ने अपने इवेंट में हाईलाइट किया था कि भाई वॉच के अंदर बिल्ट इन GPS है, यानी कि फोन के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है वॉच को अपने लोकेशन डेटा के लिए। तो बेसिकली अगर आपको जॉगिंग वगैरह जाना है, फोन को घर पे रख के भी जा सकते हो, ऑब्वियसली उस पर अपने कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे बिना फोन के, पर अगर आपका मकसद है सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट, तो उसके लिए आपको फोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्ट इन GPS है, तो वो अपने आप काफी एक्यूरेटली आपकी सब कुछ मेजर कर लेगा, आपका वर्कआउट हो, चाहे जॉगिंग वगैरह हो, ट्रैकिंग हो, कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, सब अच्छे से उसका GPS के मदद से ट्रैक हो जाएगा। और फिर बाद में ऑब्वियसली वो हेल्थ ऐप को यूज करके आप चीजों को सिंक कर सकते हो अपने फोन के साथ। अब मैं आपको क्विकली बता दूं कुछ ऐसी चीजों की जो OnePlus फ्यूचर OTA अपडेट्स के साथ प्लान कर रहा है। एक तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो फिलहाल आपको OnePlus वॉच के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देखने मिलेगा, मतलब आप जब भी रेज वगैरह करोगे या टैप करोगे तो ही आपको वो डिस्प्ले ऑन होगा। पर पीट लाओ ने कहा है कि वो ये चीज को कंसिडर जरूर कर रहे हैं, पर क्योंकि उससे बैटरी कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो थोड़ा देखेंगे कि कुछ और अगर अच्छा ऑल्टरनेट सोल्यूशन को मिल जाता है। ऑल्दो एमोलेड डिस्प्ले है, पर ऑलवेज ऑन से थोड़ा बैटरी ज्यादा खर्च होती है। लेट्स सी क्या हमें वो OTA अपडेट में फ्यूचर में देखने मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी ऑलवेज हार्ट रेट मॉनिटर वाला सिस्टम, कि हर टाइम आपकी हार्ट रेट होती रहे मॉनिटर, तो ये चीज़ भी जो है अभी आपको देखने नहीं मिलेगा, पर जल्दी देखने मिलेगा। ये दोनों चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, इससे बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हार्ट रेट कंटिन्यूस वाला अगर वो डालेंगे तो 14 डेज की जगह 25 आवर्स रह जाएगी बैटरी लाइफ, तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और जो 14 डेज की बैटरी लाइफ है वो वही है कि काफ़ी चीज़ों को ऑफ रखे है। अगर आप स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह ऑन रखते हो और रात को पहन के सोते हो वॉच को, तो ऑब्वियसली आपको 14 डेज की पूरी बैटरी लाइफ नहीं मिल पाएगी। आपको हो सकता है कि हर दूसरे दिन अपने वॉच को चार्ज करने पड़े अगर आप सारे के सारे फीचर्स ऑन रखते हो तो, और अगर आप काफी कॉल्स वगैरह भी पिक करते हो। तो भाई ये है फाइनल सारे के सारे डिटेल्ड माल मसाला जो हमें पता लग पाया OnePlus वॉच के बारे में। क्या आप एक्साइटेड हो उस वॉच को लेने में? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और शायद क्या पता ले भी लूं। अगर ऐसा होता है तो जरूरी आपको अपकमिंग वीडियो में या तो मेरे हाथ पे देखने मिल जाएगा या फिर उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। तो बस ये वाली वीडियो अगर आपको यहां तक देखकर मजा आया हो, यहां तक देख ही लिया, तो भाई लाइक का बटन दबा के जाना। बहुत लोग होते हैं वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भाई यूट्यूब एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग 97% ऑफ माई व्यूअर्स जो भी मुझे देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई आप देख के मजे लेकर चले जाते हो, लाइक करके चले जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पर भाई सब्सक्राइब भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी चैनल को और उस एल्गोरिदम को तोड़ने फोड़ने में। तो बस इसी के साथ इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।